हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। क्लास थर्ड लेसन थ्री में पार्ट टू वीडियो है, प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड। पहले तो हमने करा था इस चैप्टर के अंदर कि कंप्यूटर का यूज क्या होता है, क्या काम आता है कंप्यूटर, जैसे गेम खेलने के, कलरिंग करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए, अकाउंट्स बनाने के लिए, सम सॉल्व करने के लिए, मूवी देखने के लिए आदि आदि, यानी बहुत सारे काम ये करता है। अब ये काम कौन कौन सा काम, कहाँ कहाँ पर कंप्यूटर का यूज होता है, ये इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड। पहला है स्कूल। बेटा, स्कूल में आपको सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए कंप्यूटर को रखा गया है। कंप्यूटर्स एक्ट एज अ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, पढ़ाने के लिए जो लर्निंग मटेरियल के लिए हम यूज करते हैं। टीचर्स यूज कंप्यूटर्स फॉर मेकिंग टाइम टेबल्स। भाई, टाइम टेबल जो बन के आता है या प्रिपेयरिंग रिपोर्ट कार्ड्स एक्सेट्रा, भी रिपोर्ट कार्ड बनते हैं आपके, टाइम टेबल बनता है, इवन आपका रिजल्ट जो बनता है या आपकी लिस्टिंग जो होती है, वो सभी स्कूल के अंदर ये काम होते हैं। स्टूडेंट्स यूज कंप्यूटर फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। इट इज ऑल्सो यूज इन स्कूल लाइब्रेरी। ये स्कूल लाइब्रेरी के अंदर भी यूज किया जाता है। ठीक है भाई, इतने सारे काम होते हैं स्कूल के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है शॉप्स एंड होटल्स। दुकानों पर और होटल्स में काम होता है, क्या काम आता है इसका? कंप्यूटर्स आर यूज फॉर मेकिंग बिल्स, कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ स्टॉक एंड सेल ऑफ डिफरेंट आइटम्स। भाई, कंप्यूटर में क्या, बिल बनाने के काम आता है। दुकानों पर जैसे भी बिल बनाने या रिकॉर्ड रखने, भी क्या क्या स्टॉक या कितना कितना माल है यहाँ पर और कितना मंगाना है, कितना सेल कर दिया है, ऐसे रिकॉर्ड यहाँ पर मिलते हैं दुकानों में, इसके लिए रखा जाता है। आगे हम चलते हैं हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स में क्या काम होता है भाई कंप्यूटर का? तो हॉस्पिटल्स में बेटा कंप्यूटर हेल्प इन डायग्नोसिस पेशेंट्स डिजीज, मेकिंग बिल्स एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट मेडिसिन। ठीक है भाई, पेशेंट्स के बारे में जो रिपोर्ट्स होती हैं, वो पेशेंट्स की डिटेल्स, कौन सा पेशेंट कब आया था, कब तक रहा, इस तरह की डिटेल्स, या फिर उसके जैसे मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह हैं या उसकी बिलिंग वगैरह, सब कुछ उसके अंदर रिकॉर्ड की जाती है। इट ऑल्सो हेल्प डॉक्टर इन द ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर के अंदर ये क्या करता है, डॉक्टर्स की हेल्प भी करता है। अब नेक्स्ट है गुड टू नो, एटीएम्स आर कंप्यूटर्स। एटीएम स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन। अब नेक्स्ट है, जो एटीएम जो होते हैं ये भी कंप्यूटर की तरह ही होते हैं, और एटीएम की जो फॉर्म होती है, स्टैंड फॉर होती है, उसको हम कहते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है। ठीक है भाई, इसमें हम किसी भी समय जाकर के पैसा निकाल सकते हैं। अब रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे क्या यूज होता है भाई? बिलिंग के लिए, टिकट बुक करने के लिए। तो कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर बुकिंग टिकट्स एंड गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ ट्रेन। भाई, ट्रेन कौन सी किस समय आने वाली है और कौन सी ट्रेन कब यहाँ से रवाना होगी, या फिर बुकिंग टिकट्स बुक करने के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए रेलवे के बारे में, इसलिए रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटर का यूज होता है। बैंक में किस लिए यूज होता है भाई? तो बैंकिंग में कंप्यूटर्स आर यूज टू मेंटेन द अकाउंट्स एंड ट्रांजेक्शंस ऑफ द कस्टमर्स इन द बैंक। भाई, ट्रांजेक्शंस वगैरह, भाई कितना अमाउंट पैसा जो है गया है, कितना आया है, किस कस्टमर का खाता है, किसका नहीं है, तो इस तरीके की कुछ डिटेल्स होती है बैंक में, वो सारी वहां पर कंप्यूटर में रखी जाती है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट्स पे भी वही काम होता है भाई, कौन सा? एक तो बुकिंग टिकट्स का, कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ फ्लाइट्स एंड मेंटेनिंग सिक्योरिटी। सिक्योरिटी वगैरह मेंटेन करने के लिए फ्लाइट का रिकॉर्ड, भाई कौन सी फ्लाइट कहां से आने वाली है और कहां जाने वाली है, कौन सी फ्लाइट कब डिपार्चर होगी। ठीक है, तो कंप्यूटर्स आल्सो हेल्प एरोप्लेन टेक ऑफ एंड लैंड। भाई, लैंडिंग के लिए और टेक ऑफ, यानी कि जब एरोप्लेन जब उड़ता है, फ्लाई करता है, और जब टेक ऑफ लैंड करता है, यानी धरती पर आता है, तो उसको सिग्नल्स की आवश्यकता होती है, तो वो कौन देता है उसको? कंप्यूटर की सहायता से उसको सिग्नल्स मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है बेटा ऑफिस। क्या आता है? ऑफिस। तो ऑफिस में क्या यूज होता है अभी? कंप्यूटर्स आर यूज टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ सैलरीज, एम्प्लॉयज एंड अकाउंट्स। भाई, सैलरीज, भाई जो एम्प्लॉयज वर्किंग कर रहे हैं वहां पर, उनके डिटेल्स होती हैं, उनकी सैलरीज का रिकॉर्ड होता है, अकाउंट्स होते हैं कुछ कंपनी के, ऑफिस में वो रखे जाते हैं। घर पे भी क्या क्या यूज करते हैं, हमने पढ़ा था भी, घर पे हम बहुत सारे काम करते हैं, जैसे होमवर्क हमने करना है, कोई कैलकुलेट मंथली एक्सपेंसिज, अभी हमारे घर के खर्चों को, भी कितना हमारे घर में इनकम होती है, कितना हमारे खर्चे होते हैं, वो सारे हम उसमें देख सकते हैं, रख सकते हैं। वी कैन ऑल्सो परचेज आइटम्स सेलिंग सिटिंग एट होम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। भाई, हम क्या कर सकते हैं? परचेज कर सकते हैं किसी भी आइटम को घर पर बैठे हुए विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। इट इज कॉल्ड ऑनलाइन शॉपिंग। इसको हम क्या कहेंगे? घर से हम कोई भी चीज खरीद रहे हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग इसको कहेंगे।
नेक्स्ट आता है वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग क्या होता है भाई? मौसम विभाग की जानकारी यानी भविष्यवाणी मौसम के बारे में। कंप्यूटर्स आल्सो हेल्प इन फोरकास्टिंग वेदर, भाई मौसम के बारे में, भविष्य के बारे में जानकारी लेना कि भविष्य में मौसम कैसा रहने वाला है, ऐसी जानकारी हमें इससे मिलती है। फन एंड एंटरटेनमेंट, फन और एंटरटेनमेंट के लिए क्या चाहिए भाई? जैसे मूवी है, गेम है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम करते हैं। मैनी फिल्म प्रोडक्शन हाउसेज यूज कंप्यूटर्स टू गिव एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट इन दियर फिल्म, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो हमारे मस्ती के लिए, कोई भी हम गेम खेलते हैं या फिर हम कोई मूवी देखते हैं, कार्टून देखते हैं, तो कंप्यूटर की सहायता से हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है बेटा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च करने के लिए भाई हम जो मतलब जो साइंटिस्ट होते हैं कंप्यूटर में क्या करते हैं? फॉर डूइंग मिनट कैलकुलेशंस, रोबोट आर आल्सो मेड यूजिंग कंप्यूटर्स। दीज आर यूज फॉर रिसर्चिंग इन डिफेंस एंड स्पेस, ठीक है भाई। साइंटिस्ट क्या करते हैं इसका कैलकुलेशन करने के लिए, रोबोट भी जो बनाए जाते हैं वो कंप्यूटर द्वारा काम करते हैं, और जो रिसर्च वर्क होता है डिफेंस का या स्पेस का, वो सारा का सारा किसके माध्यम से होता है? कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, पब्लिशिंग एंड डिजाइनिंग। पब्लिशिंग एंड डिजाइनिंग, भाई हमने कोई भी डिजाइन वर्क करना है तो उसके लिए हम भी कंप्यूटर का भी यूज करते हैं। कंप्यूटर्स आर यूज फॉर प्रिंटिंग एंड डिजाइनिंग बुक्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। जो आपकी मैगजीन्स वगैरह बनती हैं, बुक बनती हैं, या फिर न्यूज़पेपर बन के आते हैं हमारे सामने, तो ये सारे के सारे क्या हैं? सारे वर्क ये किससे होते हैं? विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। जितने भी काम हमने बताए हैं, जहां जहां पर कंप्यूटर का यूज होता है, वो सारे हमने बताए हैं इसके अंदर। अब नेक्स्ट टिप्स जो है, ऑलवेज क्लीन द कंप्यूटर विद ए सॉफ्ट एंड ड्राई क्लॉथ। हमेशा हमने अपने कंप्यूटर को सफाई करते हुए ध्यान देना चाहिए कि कंप्यूटर कभी भी गीले कपड़े से या किसी जो क्लीनर होते हैं उनसे साफ नहीं करना चाहिए। हमेशा सूखे कपड़े से या कॉटन क्लॉथ जो होता है सॉफ्ट, बिल्कुल मुलायम टाइप का, उससे कंप्यूटर को साफ करना चाहिए, ठीक है बेटा। चैप्टर कंप्लीट होता है, इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।